उत्तर प्रदेश में जीत की तैयारी लगातार परवान पर है। इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड के लिए भाजपा नेतृत्व ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और जल्द ही दोनों उत्तराखंड में विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में सीएम के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का, इसको लेकर लगातार अब आप देखेंगे मंथन होगा, मैराथन बैठकों का दौर भी चलेगा। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और खबर यह है कि जल्द ही दोनों उत्तराखंड में विधायकों के साथ करेंगे बैठक और बैठक में सीएम के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। देखिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और इसीलिए लगातार ये अब सिलसिला आगे बढ़ेगा बैठकों का। उत्तराखंड में क्या होने वाला है आगे, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसको लेकर बैठकों का दौर युद्ध स्तर पर अब चलेगा। इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं। अविनाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। अविनाश, आप पर्यवेक्षक बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल, क्या जानकारी है दोनों को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए दोबारा सत्ता तो जरूर अर्जित कर ली है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी मुश्किलें हैं कि मुख्यमंत्री अगला किसको बनाया जाए, क्या पुष्कर सिंह धामी को मौका दिया जाए या फिर किसको और कंटिन्यू कराया जाए। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर गए हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान, इन दोनों को पर्यवेक्षक बनाया गया। ये संभवतः कल देहरादून पहुंचेंगे और वहां पर जितने जीते हुए विधायक हैं उनकी बैठक बुलाई जाएगी। उन विधायकों के साथ साथ तमाम तरह संगठन के नेता मौजूद रहेंगे और फिर उन विधायकों से ये राय ली जाएगी क्या विधायकों के बीच से ही कोई मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सहमति बनाने की कोशिश होगी कि विधायक के मन में क्या चल रहा है, विधायक किस तरीके से अगला मुख्यमंत्री चाहते हैं, उनकी जो राय मशवरा होगी उनके राय को लेकर के ये दोनों नेता फिर दिल्ली आएंगे और यहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड को सूचित करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय करेगी कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या पुष्कर सिंह धामी को मौका दिया जाए या फिर किसी अन्य नए चेहरे को मौका दिया जाए। अविनाश, अभी ये दोनों ही दिग्गज दिल्ली में मौजूद है या फिर रवाना हो चुके हैं उत्तराखंड के लिए? देखिए, अभी ये दोनों केंद्रीय मंत्री दिल्ली में मौजूद हैं, संभवतः ये कल उत्तराखंड जाएंगे और देहरादून में तमाम सारे विधायकों को वहां पे बुलाया जाएगा। विधायक दल की बैठक की जाएगी जिसमें तमाम सारे विधायकों के मन में जो चल रहा है उनको जाना जाएगा कि किस तरीके से विधायक क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या वो निर्णय केंद्रीय आला कमान पर छोड़ते हैं या फिर उनके भी कुछ मत है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। इन तमाम सारे राय मशवरा के साथ फिर दोनों केंद्रीय नेता दिल्ली आएंगे और यहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड को सूचित करेंगे, जिसके बाद फिर आगे के निर्णय संसदीय बोर्ड बीजेपी का तय करेगा कि उत्तराखंड में अगला नया मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए, बहुत बड़ा सवाल जीत के बाद अविनाश यही बना हुआ है कि कमान कौन संभालेगा उत्तराखंड की और किसको जिम्मेदारी हाई कमान की तरफ से दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश, पूरी जानकारी के लिए आप लगातार नजर बनाए रखिएगा।